देख भीमासुर देख, प्रभु श्री राम के एक तुच्छ सेवक ने तुझे धूल चटा दी, तो सोच प्रभु श्री राम कितने अधिक बलशाली होंगे। भीमासुर, मरने से पहले तेरे ताऊ लंकेश्वर रावण ने भी प्रभु श्री राम से शत्रुता छोड़कर क्षमा मांग ली थी। मैं तुझसे फिर एक बार कहता हूं, तू भी प्रभु श्री राम से शत्रुता छोड़ के क्षमा मांग ले, अन्यथा तू कुछ भी करने के लिए जीवित नहीं बचेगा। भीमा, शत्रु का ये वानर तुझे कायर बनाने आया है, उसकी बातों में ना भीमा, उठ भीमा, उठ भीमा, उठ। करकटी, मुझे तुम पर दया आ रही है, मेरी बात मान जा। और तेरा पति कुंभकर्ण कितना भला और समझदार राक्षस था, उतना ही समझदार तू वीर भीमासुर को बना। मैं सत्य कह रहा हूं करकटी, कुंभकर्ण बहुत ही भला और समझदार राक्षस था, वो न्याय का पक्षधर था। यदि वो चाहता तो अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु श्री राम की शरण में जाकर अपने प्राणों को बचा सकता था, परंतु शत्रु की शरण में जाने की बजाय उसने अपने भाई लंकेश्वर रावण का साथ देना ही उचित समझा। करकटी, कुंभकर्ण ने भी लंकेश्वर रावण को यह समझाया था कि देवी सीता प्रभु श्री राम को लौटाकर यह युद्ध समाप्त कर दे, परंतु लंकेश्वर रावण के सर पर तो मृत्यु सवार थी, वो कुंभकर्ण की बात भी नहीं माना और युद्ध हुआ, और जैसा होना था वैसा ही हुआ, सारे के सारे राक्षसों का सर्वनाश हुआ। भीमासुर, तुम कुंभकर्ण के पुत्र हो और कुंभकर्ण के प्रति मेरे हृदय में सम्मान था और सम्मान रहेगा, और उसका पुत्र होने के नाते मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, कदापि नहीं मारूंगा, परंतु मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। भीमा, मेरी बात मान जा और प्रभु श्री राम से शत्रुता छोड़ दे, इसी में तेरी भलाई है। हमें मारने वाला तू कौन है? मैं हूँ श्री राम का एक तुच्छ सेवक हनुमान। हनुमान? लंका दहन करने वाला हनुमान? हिमालय से संजीवनी बूटी लाने वाला हनुमान? बड़े बड़े राक्षस वीरों को मारने वाला हनुमान? जय श्री राम। भीमा, ये वानर ठीक कह रहा है, श्री राम से शत्रुता छोड़ दे, इसी में हम दोनों की भलाई है। ये क्या हो गया माँ तुझे? अभी तो तू मुझे अयोध्या भेज रही थी राम को मारने के लिए, और अभी? भीमा, ये वानर महान है, प्रतिशोध का विचार छोड़ दे। माँ, परंतु मेरे राक्षसी जीवन का उद्देश्य क्या होगा, बता माँ। जय श्री राम। भीमासुर, तुम राक्षस हो परंतु अपने कार्यों से तुम मानव से भी श्रेष्ठ बन सकते हो। तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि तुम ब्राह्मण श्रेष्ठ ऋषि विशर्वा के पौत्र हो। तुम्हें जीवों की सेवा में अपना मन लगाना चाहिए, यही सबसे बड़ा धर्म है और यही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य भी होगा। हाँ भीमासुर, जय श्री राम। परंतु आप बार बार हनुमान के साथ ऐसा क्यों करते हैं भैया? आप भली भांति जानते हैं कि हनुमान सदा आपके साथ रहना चाहते हैं, परंतु आप उन्हें कहीं ना कहीं किसी न किसी बहाने से भेज देते हैं। अभी पिछली बार आपने उन्हें उनके माता पिता के पास सुमेरु भेज दिया था, और इस बार आपने उन्हें वानरा सुग्रीव के पास जाने को कह दिया। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा भैया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। भैया, कहीं आप हनुमान से? तुम ठीक कह रहे हो लक्ष्मण, परंतु हम भी क्या करें, हम ये भली भांति जानते हैं कि हनुमान हमारा परम भक्त है, वो बिल्कुल निष्कपट और निष्कलुष है, परंतु उसके भोले प्रश्नों को उत्तर देने में हम अपने आप को असमर्थ पाते हैं। परंतु सत्य ये भी है कि उसके जाने के पश्चात हम एक पल के लिए भी। जय श्री राम। हनुमान,
जय श्री राम। प्रणाम भैया। प्रणाम हनुमान। हनुमान तुम जुग जुग जियोगे। मैं और भैया राम तुम्हारे विषय में ही चर्चा कर रहे थे। ये तो मेरा सौभाग्य है भैया और प्रभु श्री राम की कृपा। हनुमान तुम तो वनराज सुग्रीव के पास गए थे, परंतु आपको मेरे शीघ्र आने की प्रतीक्षा थी। आपकी इच्छा की प्रतिध्वनि मेरे कानों में गूंजी और मैं यहाँ पहुंच गया। अच्छा हनुमान, यह तो बताओ कि किष्किंधा में वानराज सुग्रीव और हमारे सारे साथी कुशल से तो हैं? हाँ भैया, सब कुशल मंगल से हैं। परंतु इस समय मैं किष्किंधा से नहीं आ रहा हूँ, मैं करकटी और कुंभकर्ण के पुत्र भीमासुर से मिलकर आ रहा हूँ। भीमासुर? हाँ भैया, किष्किंधा में मुझे देवर्षि नारद मिले थे। उन्होंने मुझे भीमासुर के विषय में बताया और मैं उससे मिलने वहां चला गया। कुंभकर्ण और करकटी का बेटा भीमासुर? भैया इसके बारे में हमें अभी तक पता ही नहीं था। लक्ष्मण, जिस विषय में कोई पता लगा नहीं सकता उस विषय में हनुमान पता लगा ही लेते हैं। हनुमान, भीमासुर और करकटी अवश्य कुंभकर्ण के वियोग में दुखी होंगे। हाँ प्रभु, करकटी भीमासुर के मन में आपके प्रति प्रतिशोध की भावना जगा रही थी। और तुमने वहां पहुंचकर उनके मन से यह भावना निकाल दी होगी, ये सत्य है ना हनुमान? भैया, ये सब तो प्रभु श्री राम के नाम का चमत्कार है, मैंने तो इसमें कुछ भी नहीं किया। देखा लक्ष्मण, हनुमान किस प्रकार हमारे नाम के पीछे अपनी वीरता को छुपा लेते हैं। हनुमान तुम सचमुच अद्भुत हो। नहीं प्रभु, अद्भुत तो आप हैं। एक अद्भुत भवसागर जिसमें मैं डूबता ही चला जा रहा हूं परंतु अंत मिलता ही नहीं। हनुमान ने तेरे पिता के बारे में जो कुछ भी बताया उसको सुनकर मेरा मन भर आया। सचमुच तेरे पिता बहुत अच्छे थे। वे अच्छे थे, फिर राम ने उन्हें क्यों मार दिया? क्या एक अच्छे राक्षस को मारना अच्छी बात है? भीमा, तेरे पिता ने रावण का साथ दिया था, उन्हें उसी का फल भुगतना पड़ा। तुम मेरे पिता की मृत्यु भूल सकती हो परंतु मैं नहीं भूल सकता। एक वानर के आते ही तुम्हारा मन बदल गया। मैं अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध अवश्य लूंगा। शांत पुत्र शांत, तुम अयोध्या अकेले जाकर कुछ नहीं कर पाओगे। तुम भी अपने पिता के समान मारे जाओगे। मैं मरने से नहीं डरता, मुझे मृत्यु का भय ना दिखाओ। नारायण 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 नारायण। शांत हो जाओ कुंभकर्ण पुत्र भीमासुर, शांत हो जाओ। तुम्हें मरने का कोई भय नहीं है ये मैं जानता हूँ, परंतु यदि तुम अपनी प्रतिशोध की भावना मन में ही लिए मर गए तो तुम्हारी यही भावना तुम्हें चैन नहीं लेने देगी, जन जन तक तुम्हारा पीछा करती रहेगी। हाँ तुम मुझे इतने आश्चर्य से क्यों देख रहे हो? मैं राक्षसों का शुभ चिंतक हूँ, नारद, देवर्षि नारद। देवर्षि नारद? कहीं तुम हनुमान के दूत तो नहीं? नारायण नारायण, मैं कोई दूत नहीं हूँ। तो फिर कौन हो तुम? ये तुम अभी नहीं समझोगे, ये समझने के लिए तुम्हें तपस्या करनी होगी। तपस्या? मैं तुम्हारे पास तुम्हारे भले के लिए आया हूँ भीमासुर। यदि तुम मेरी बात मान लो तो तुम्हारा उद्धार हो सकता है। क्या तुम भी यही चाहते हो कि मैं अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध ना लूं? शक्ति
शक्ति चाहिए भीमासुर, शक्ति। ऐसी अटूट शक्ति जो तुम्हारे ताऊ रावण तथा तुम्हारे पिता कुंभकर्ण ने तपस्या करके प्राप्त की थी। परंतु मैंने सुना है तपस्या राक्षसों के शत्रु ऋषि मुनि करते हैं। नारायण नारायण, जब राक्षस तपस्या करते हैं ना, तो ऋषि मुनि तो क्या देवताओं से भी अधिक बड़ा वरदान प्राप्त कर लेते हैं। वे चाहें तो राक्षसों की सेना खड़ी कर दें, ऐसे ऐसे शस्त्र उत्पन्न कर दें कि जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकती। अभी अभी कुछ ही पल पहले मैं यहाँ नहीं था ना, है? अब फिर अचानक मैं यहाँ कर बैठ गया नारायण नारायण कहते हुए, है? हाँ, समझी? आप तो सचमुच चमत्कारी हैं। परंतु तुम्हारा यह पुत्र भीमासुर इससे भी बड़ा चमत्कार कर सकता है। यदि ये परमपिता ब्रह्मा से वरदान प्राप्त कर ले तो। तपस्या करके ब्रह्मा से वरदान? क्या वरदान मिलेगा ब्रह्मा से? जो तुम चाहो। तुम्हारे ताऊ को 10 सिरों का वरदान मिला, तुम्हारे पिता कुंभकर्ण को भी अपार शक्ति मिली, 6 महीने तक सोने का वरदान मिला। 6 महीने? परंतु यहाँ तो वो सोए नहीं। यहाँ तो 6 महीने तक जागने का समय था ना। भीमासुर, मैं जो कहता हूँ उसे ध्यान से सुनो। ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। किसी भी पर्वत शिखर पर खड़े होकर तपस्या करो। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ठीक है, ऐसी तपस्या करो भीमासुर और अपना मनचाहा वरदान प्राप्त करो। अच्छा, मेरा कार्य पूर्ण हुआ, तुम्हारा कल्याण हो। नारायण नारायण। ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। नमः। ओम ब्रह्म। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। महादेव भोलेनाथ, मैंने देवर्षि नारद से आपका संदेश पाकर कुंभकर्ण के पुत्र भीमासुर को समझाया और उसने प्रभु श्री राम से प्रतिशोध लेने का विचार त्याग दिया। और देवर्षि नारद ने भीमासुर को तपस्या के लिए प्रेरित कर भी दिया। अब वो कठिन तपस्या करके दूसरे राक्षसों के समान ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करेगा। और फिर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करके क्या भीमासुर प्रभु श्री राम से प्रतिशोध लेना चाहेगा भोलेनाथ? नहीं हनुमान, कदापि नहीं। ब्रह्मा जी से वरदान पाने के पश्चात भीमासुर अपनी राक्षसी शक्ति से शिव भक्तों पर प्रहार करेगा और फिर हमारा ही हाथों उसका अंत होगा। धन्य है शिव शंकर, आप सचमुच धन्य है। प्रभु श्री राम को भीमासुर के प्रतिशोध से बचाने के लिए आपने गुरुदेव नारद से कहकर भीमासुर को तप के लिए प्रेरित करवाया। आपकी लीला अद्भुत है भोलेनाथ। हम त्रिदेवों द्वारा निर्धारित घटना चक्र इसी प्रकार कार्य करता है, ताकि धर्मात्माओं को धर्म का रक्षण मिले और दुष्टों को उनकी दुष्टता का दंड। परंतु हनुमान, ऐसा प्रतीत होता है इस समय तुम हमसे कुछ और भी जानना चाहते हो। हाँ भोलेनाथ, मैं प्रभु श्री राम की आज्ञा से बंध कर रह गया हूं।
प्रभु श्री राम मुझे माता सीता से मिलने की अनुमति नहीं दे रहे हैं, और मैं माता सीता और उनके दोनों पुत्रों को देखने के लिए व्यग्र रहता हूं। इसमें क्या कठिनाई है हनुमान? तुम रुद्र अवतार हो, सर्वशक्तिमान हो, तुम इस तरह विवश हो जाओ यह हमें इष्ट नहीं है। परंतु तुम्हारी व्यग्रता हम समझ रहे हैं। वाल्मीकि आश्रम के आसपास के वन प्रदेश में तुम देवी सीता के दोनों पुत्रों लव और कुश से भेंट कर सकते हो, उन्हें अपनी शक्ति से परिचित करा सकते हो और तुम उनकी शक्ति से परिचित हो सकते हो। और रही बात देवी सीता के दर्शन की, तो वो अवसर शीघ्र ही आने वाला है जब तुम श्री राम की आज्ञा का पालन करते हुए देवी सीता के दर्शन कर सकोगे, और उसके पश्चात आगे की घटनाएं अपने आप स्पष्ट होती जाएंगी। क्या हुआ हनुमान, तुम और कुछ जानना चाहते हो? हाँ भोलेनाथ शिवशंकर, क्या प्रभु श्री राम और माता सीता का मिलन शीघ्र नहीं हो सकता? क्या उन दोनों के वियोग का अंत शीघ्र नहीं होगा? हनुमान, तुम भली भांति जानते हो कि श्री राम भगवान विष्णु के अवतार हैं और देवी सीता भगवती लक्ष्मी के अवतार। दोनों इस समय मनुष्य अवतार में जो लीलाएं कर रहे हैं उसका अंत एक ना एक दिन तो होना ही है। इसलिए तुम अधिक सोच विचार ना करो, तुम्हारा कल्याण हो। माता, हमने गुरुजनों से सत्र विद्या सीख ली है, अब हम वन में जाकर अकेले अभ्यास करना चाहते हैं। हमें आज्ञा दीजिए माता। तुम दोनों अकेले शस्त्रों का अभ्यास करोगे? हाँ माता। वन के प्राणियों को कोई कष्ट नहीं पहुँचाओगे ना? कष्ट नहीं, नहीं, कदापि नहीं दीदी। वन के प्राणी तो इनके लिए प्राण के समान है, ये भला उन्हें कष्ट कैसे पहुँचा सकते हैं? अच्छा, तो तुम तीनों ने इन्हें पहले ही आज्ञा दे दी है? जी दीदी। क्या? नहीं नहीं दीदी, हमने तो बस इतना कहा था कि हम भी इनके साथ वन में जाएंगे। यदि हम वन में नहीं जाएंगे तो पता कैसे चलेगा अभ्यास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? परंतु ये दोनों मानते ही नहीं। ऐसा क्यों लव कुश? माता, क्या तुम्हें हम पर विश्वास नहीं? अपनी भूल को हम एक शत्रु के समान देखेंगे और उसे स्वयं ठीक करेंगे, और जब तक भूल सुधार नहीं लेंगे अभ्यास करते ही रहेंगे। बहुत चतुर हो गए तुम दोनों, जाओ, परंतु संध्या से पहले लौट कर आ जाना। जो आ गया माता। Oh, yeah.
जय श्री राम। जय श्री राम। यार धनुष कहाँ गया? अरे अभी तो यही था। चलो वो देखो पेड़ पे, चलो निकालते आओ। पेड़ पर कैसे चलेंगे? अवश्य यहाँ कोई शत्रु है तो है। पहले हम धनुष निकालेंगे, उसके बाद शत्रु से निपटेंगे। ठीक है चलो आओ आओ। उठाओ मेरे को भैया, उठाओ। अच्छा भैया ऊपर लो। अच्छा भैया और ऊपर लो। और ऊपर लो भैया। अच्छा भैया ऊपर लो। ऊपर उठाओ भैया। अच्छा। उठाओ भैया। और ऊपर अच्छा लो। पकड़ो भैया धनुष पकड़ो। अच्छा भैया और ऊपर उठाओ भैया। अच्छा और थोड़ा ऊपर पकड़ो भैया। उठाओ भैया पकड़ो और थोड़ा सा बालको, मैं तुम लोगों की सहायता करूं? नहीं, हम योद्धा हैं, हम अपना धनुष स्वयं उतारेंगे। बालको, योद्धा तो तुम लोग तब कहलाओगे जब तुम्हारे अस्त्र तुम्हारे हाथों में होंगे, परंतु तुम्हारे अस्त्र तो तुम क्या हमारी हंसी उड़ाने आए हो? नहीं, नहीं नहीं नहीं, तुम जैसे नन्हे भोले बालकों की हंसी तो कोई मूर्ख ही उड़ाएगा। माता ने कहा है कोई अनजान लोगों की सहायता नहीं लेनी चाहिए। परंतु मैं अनजान कहाँ हूँ, मैं तो हनुमान हूँ। हनुमान? राम भक्त हनुमान? हाँ हम तो तुम्हें जानते हैं, गुरु जी ने तुम्हारे बारे में बताया था। अर्थात अब मैं अनजाना नहीं हूँ, अब तो मैं तुम लोगों की सहायता कर सकता हूँ। नहीं कदापि नहीं। नहीं? परंतु परंतु अब क्यों नहीं? ठीक है तुम चाहते हो तो हम तुम्हें सहायता ले सकते हैं। क्यों भैया? हाँ तुम हमें अपनी गोद में उठाओ, हम अपना धनुष स्वयं उतारेंगे। ठीक है जैसी आप दोनों की इच्छा, आइए। जय श्री राम। हनुमान तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। हनुमान गुरु जी ने कहा था तुम बहुत बड़े योद्धा हो, पर तुम्हारे पास धनुषवान कुछ भी नहीं। बालको मेरा अस्त्र है मेरी गदा। गदा? हाँ। ये पकड़ो धनुष। बहुत अच्छा है ना हनुमान। ये गदा मैं लूं? नहीं मैं लूंगा, नहीं मैंने पहले बोला था पर मैं। अरे 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 बालको, मैं तुम दोनों को एक एक गदा प्रदान करूंगा। ठीक है। जय श्री राम। अरे गदा, ये लो, ये रही आपकी गदा और हमारी गदा हमें दे दीजिए। और ये आपकी। हनुमान इससे युद्ध कैसे करते हैं? ये भी मैं आप दोनों को बताऊंगा, आओ। अब अपने अपने तरकश खोल दो। खड़े रहो खड़े रहो खड़े रहो बेटा खड़े रहो। आप भी। यहां रखते हैं। अब गदा को इस तरह पकड़ो, इस तरह दाहिना पैर पीछे, आपका भी। अब मुझ पे वार करो। अब दोनों वार करो। हाँ।
दबाओ दबाओ दबाओ, जोर से दबाओ। बड़े योद्धा बनते फिरते थे। जय श्री राम। परम ब्रह्माय नमः। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव, क्या सोच रही हो पुत्री जानकी? गुरुदेव, लवकुश दोनों वन में युद्ध अभ्यास करने गए थे, अब तक नहीं लौटे। वो देखो, दोनों इधर ही आ रहे हैं। किंतु उनके हाथों में वो गदा है। हाँ गुरुदेव, इनके हाथों में गदाएं कहां से आ गई? आयुष्मान भव। पुत्रों, तुम्हारे पास ये गदाएं? बजरंग बली हनुमान ने दी हमें गदाएं, और उन्होंने हमें गदा युद्ध करना भी सिखाया। वे स्वयं हमसे हार गए और हमें ही जिताया। हनुमान, कहाँ मिले तुम्हें हनुमान? वन में, उन्होंने आपको प्रणाम कहा है माता। देख ली हनुमान की लीला, वे आपसे अधिक समय तक दूर नहीं रह सकते। धन्य है आप हनुमान, आपकी जय हो। आप सभी विराजिए। आदरणीय ऋषि, महर्षि तथा ब्राह्मण देवताओं, हमने अपने प्रजा के कल्याण के लिए तथा अपने द्वारा हुए जाने अनजाने अपराधों का प्रायश्चित करने के लिए, अपने पूर्वजों द्वारा स्थापित परंपरा के निर्वाह के लिए अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया है। इस निश्चय के लिए हमें आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। आप सब हमें अश्वमेध यज्ञ करने की अनुमति प्रदान कीजिए। अयोध्यापति श्री रामचंद्र की जय। अयोध्यापति श्री रामचंद्र की जय। अयोध्यापति श्री राम, आपका यह निश्चय अति उत्तम है। हम हृदय से आपके इस निश्चय का समर्थन करते हैं। अयोध्यापति श्री रामचंद्र की जय। अयोध्यापति श्री रामचंद्र की जय। इस अवसर पर हमने आप सबके लिए
कुछ भेंट का प्रबंध किया है, उसे स्वीकार करके हमें कृतार्थ कीजिए। अब आप सब विराजिए। महामंत्री जी, जय श्री राम। आप धन्य है प्रभु। महाराज की जय हो। धन्य भाग प्रभु। जय श्री राम। जय श्री राम। हनुमान आओ। हनुमान, हम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे। मेरी? हाँ हनुमान, इस शुभ अवसर पर हम तुम्हें भी कुछ विशेष भेंट देना चाह रहे थे। आओ। ऋषिगणों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हनुमान हमारे सब प्रिय हैं, आज आप सबके समक्ष हम महाबली हनुमान को एक विशेष भेंट प्रदान करेंगे। प्रभु, आपकी कृपा ही मेरे लिए विशेष भेंट है। मुझे किसी और वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं है। हनुमान, आज तुम्हें हमारी भेंट स्वीकार करनी होगी। जिस प्रकार अश्वमेध यज्ञ करने का हमारा निश्चय अटल है, उसी प्रकार तुम्हें भेंट देने का निश्चय भी अटल है। ये माला हमें देवी सीता ने राजरोहण के समय भेंट की थी। क्या सोचने लगे हनुमान? कुछ नहीं प्रभु, माता सीता का नाम सुनते ही उनका स्मरण हो गया। तुम जानते हो हनुमान कि विधि किस विधान के आगे हम सब विवश हैं। हनुमान, तुम स्थान ग्रहण करो, तब तक हम ऋषिगणों को भेंट देकर आते हैं। महामंत्री, Thank you.
हनुमान। हनुमान, 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 ये क्या कर रहे हो हनुमान? प्रभु, इन मोतियों में आपको और माता सीता को ढूंढने की चेष्टा कर रहा हूं। हनुमान, भला हम इन मोतियों में कैसे मिल सकते हैं? क्यों नहीं हो सकते प्रभु? ब्रह्मांड के प्रत्येक वस्तु में आप होने ही चाहिए। और फिर ये माला तो आप ही ने मुझे दी थी ना। जिस वस्तु में आप ना हो वो राम भक्त हनुमान के किस काम की प्रभु? हनुमान जी महान राम भक्त हैं, महावीर, अति बुद्धिमानी, परंतु है तो वानर ही ना। ये अपनी वानर वृत्ति कैसे छोड़ सकते हैं? हाँ मैं वानर हूं और मैंने वानर कुल में जन्म लिया है और अपने वानर होने पर मुझे गर्व है, परंतु मैं ऐसी वस्तु कदापि स्वीकार नहीं करूंगा जिसमें मेरे प्रभु श्री राम मुझे दिखाई न दे। परंतु हनुमान जी, हर वस्तु में सीताराम दिखाई दे, क्या ये संभव है? क्या संभव नहीं है? क्या संभव नहीं है? क्यों संभव नहीं है? क्या संभव नहीं है? मुझे तो प्रत्येक वस्तु में सीताराम दिखाई देते हैं, मुझे वायु में सीताराम दिखाई देते हैं, मुझे वृक्ष में सीताराम दिखाई देते हैं, मुझे पृथ्वी में सीताराम दिखाई देते हैं, मुझे पाताल में सीताराम दिखाई देते हैं, मुझे तुम्हारे हृदय में सीताराम दिखाई देते हैं, मुझे तुम्हारे हृदय में सीताराम दिखाई देते हैं, मुझे तुम्हारे तुम्हारे हृदय में सीताराम दिखाई देते हैं, तुम्हारे हृदय में सीताराम दिखाई देते हैं, मुझे मेरे हृदय में सीताराम दिखाई देते हैं, मेरे हृदय में सीताराम है। Yeah!